हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। कि जैसा कि पता है दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार सिंह है। आप सभी लोग हमसे परिचित होंगे। तो दोस्तों, आज का ये मैथ का पोर्शन है जिसमें एनटीपीसी सीबीटी 2 आरआरबी ग्रुप डी पेट यूपीएसआई यूपी पुलिस एसएससी एसएसबी और एसएससी जीडी एसएससी एमटीएस ऑल इम्पॉर्टेंट मोस्ट वन डे एग्जाम्स के मैथ के क्वेश्चन हम आपको आप लोगों के सामने लेके आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो क्वेश्चन आप लोगों को हम आज बताएंगे दोस्तों, वो परीक्षा में आए हुए हैं और लगातार बार बार आने की संभावना भी है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं चाहता हूं कि सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पूरा वीडियो देखने के बाद कि कैसा लगा सेशन, ताकि हम आप लोगों से और मोटिवेट हों और हम आप लोगों के लिए और अच्छा बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकें। तो ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि मैथ का है। मैथ का पोर्शन पहले हम पढ़ाएंगे। तो मैथ का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाइयों का रेशियो अनुपात यानी 8:5 है, तो उनके आयतनों का रेशियो मतलब अनुपात बताना है। तो ठीक है दोस्तों, तो बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, तो बेलन का आयतन कहोगे पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों देखो, दो बेलन है, कितने बेलन है? दो बेलन है, उनकी त्रिज्या है। त्रिज्या मान लो पहले बेलन की R1 है और दूसरे बेलन की R2, उसका आयतन क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर H। क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर H। ऊंचाइयों को भी हम H1 और H2 करके मान लें, है नहीं? मान लें तो ये आयतन हो जाएगा ना, ये आयतन ही होता पाई आर स्क्वायर एच बेलन का, है नहीं? अब इसमें रखेंगे मान, रख दो, अब रेशियो तो पता करना है, विभाग कर देंगे, है नहीं? पाई आर स्क्वायर 1H1 बटे पाई आर 2 स्क्वायर H2, है नहीं? बटे यानी रेशियो निकालना है तो उनके आयतनों का हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो पाई से पाई कट जाएगा ना। R1 का मान यानी त्रिज्या का हुई तो R1 R2 कहते, तो R1 3 है, 3 का स्क्वायर इनटू H, ऊंचाई कितनी है H1 का मान 8 बटे R2 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू H2 का वैल्यू कितनी है 5। अब 4 का स्क्वायर करके क्यों, R2 स्क्वायर है ना। अब इसको कट करेंगे तो कितना हुआ, 3 × 9 गुणे 8 बटे 4 × 16 इंटू 5। अब 8 से देखो कट रहा, 8 × 8 8 × 2 = 16, तो कितना हुआ 9 × 9 बटे 5 × 2 = 10। तो कितना रेशियो आ गया आयतनों का, 9:10। कितना आयतनों का अनुपात आ गया, 9:10। ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कह रहा है एक नाव 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी 4 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में दोस्तों तय करती है? 4 घंटे में तय करती है, जबकि यह 70 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल 10 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो धारा की गति ज्ञात करनी है दोस्तों। तो ठीक है, लगाते हैं। दोस्तों एक चीज बताइए कि धारा के प्रतिकूल क्या होगा। धारा के प्रतिकूल की बात करें तो हम लिखते हैं V-U। क्या लिखते हैं? V-U। अब ये कितने घंटे में कितने किलोमीटर है, 20 किलोमीटर कहोगे, कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर, अर्थात 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल कितने किलोमीटर, कितने 20 किलोमीटर यानी 20 बटे V-U, यानी धारा के प्रतिकूल की बात करें तो हम V-U लिखते हैं, प्लस अब 40 किलोमीटर तो 40 ऊपर बटे धारा के अनुकूल की बात करें तो V+U हो जाता है। क्या हो जाता है? V+U बराबर कितने घंटे में तय करती है,
चार घंटे में, चार के बराबर हो जाएगा, है नहीं। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगले इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, जबकि यह 70 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल है, नहीं धारा के प्रतिकूल की बात करें तो v माइनस यू, 70 बटे v माइनस यू प्लस 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल 10 घंटे में, तो 60 बटे धारा के अनुकूल की बात करें तो v प्लस यू बराबर कितने घंटे में, 10 घंटे में तय करती है। दो क्वेश्चन बन गए, इनको हम हल कर लेंगे। अब हल कैसे करेंगे देखो, बहुत ही आसान तरीका। देखो दोस्तों, एक चीज यहां से काट दें, जैसे कि मान लो 60 को क्या बार करें हम, उस ऊपर वाले भिन्न में समीकरण एक में हम अगर जो यहाँ v प्लस यू की वैल्यू ऊपर की हम 120 करें, तो 40 को 120 करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से, 4 3 12 होने 120 हो जाएगा, बटे इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 60 की 2 से, कितनी 60 की 2 से, तभी तो भाई 120 बटे एक v प्लस यू होगा, 3 से गुणा हो जाएगी ना, और यहाँ 2 से होगी 60, दोनों 120 बटे v प्लस यू, है नहीं। अब लाइन खींच देंगे, चिन्ह बदलते हैं, भाई प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये 120 बटे v प्लस यू प्लस का हो गया, ये 120 बटे v प्लस यू माइनस का हो गया, ये क्या हुआ कट गया। अब ऊपर कितना बचेगा, ये दोस्तों 20 दुना 20 दिया 60, 60 v माइनस यू इतना रहा, बटे में घटेगा कितना, 7 दुनी 14, 140 से कितना कट जाएगा 60, तो कितना बचेगा माइनस का 80 v माइनस यू, कितना माइनस का 80 v माइनस और यू v यू, है नहीं। अब इधर कितना, 4 3 12 हुआ, 4 3 12 हुआ, और 10 दुना 20, 20 का है कि माइनस के, 20 से 12 का कितना बचा माइनस का 8, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है ज्यादा है, माइनस से माइनस कट गया तो v माइनस यू बराबर कितना आ गया, 8 कम 8 8 दहम 80 यानी 10, कितना आ गया v माइनस यू बराबर 10। अब v माइनस यू की वैल्यू 10 आ गई, तो v प्लस यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, कैसे निकालेंगे भाई, कहीं एक जगह रख देंगे, v माइनस यू बराबर कितना निकला 10, मान लो यहां रख दिया तो 10 10 दूना 20 यहां 2 हुआ, उधर 2 यानी 4 से 2 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, है नहीं। और ये 2 से 40 डिवाइड हो जाएगा तो v प्लस यू कितना होगा, 40 2 से डिवाइड हो तो 20, कितना आ गया 20। अब यहाँ v और u की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, u u कट गया तो 2v बराबर कितना हो गया, 2v बराबर 20 10 30, तो v बराबर कितना 15, कितना आया 15। अब v की वैल्यू 15 आ गई तो u की आराम से निकल आएगी, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रख दो, तो v बराबर 15 इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा 15 माइनस u बराबर 10, तो माइनस u बराबर 10 माइनस 15, 10 माइनस 15, तो माइनस u बराबर माइनस 5, यू यू कट गया माइनस माइनस कट गया तो u बराबर कितना आ गया 5, ये आपका राइट आंसर है। तो धारा की गति क्या है 5 किलोमीटर प्रति आवर, है नहीं। अब v की वैल्यू कितनी है 15 किलोमीटर प्रति आवर, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5, है नहीं। v की बात करें तो 15। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जो है जो सामने लिखा है, कह रहा है ए त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर 6 सेंटीमीटर, एसी बराबर 8 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो माध्यिका एडी की लंबाई, माध्यिका एडी की लंबाई, तो एबी कितना दिया है दोस्तों 6 सेंटीमीटर, है नहीं, और एसी कितना है 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर। और BC की बात करें, B और C यहां से ये पूरी है नहीं, तो कितना है 9 सेंटीमीटर, कितना है 9 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है, माध्यिका AD की लंबाई, ये AD की लंबाई पूछ रहा है, किसकी AD की लंबाई पूछ रहा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या लगाते हैं, जब माध्यिका हमको पता करनी होती है तो हम एपोलेनियस थ्योरम लगाते हैं। कौन सी थ्योरम, एपोलेनियस थ्योरम, क्या होती है एपोलेनियस थ्योरम, क्या होती है, जैसे कि हमको
किसी एक चीज का मान निकालना हो, किसका, जैसे कि मान लो क्या है ए बी स्क्वायर, क्या होगा ए बी स्क्वायर, क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, बी डी स्क्वायर टू रूट, टू रूट भाई टू रूट है नहीं, टू रूट नहीं टू, फिर ब्रैकेट, टू के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, फिर क्या करेंगे बी टी प्लस ए डी स्क्वायर, बी टी मतलब एक इसका भाग, ये एक त्रिभुज बन जाएगा ना ए बी टी है नहीं, तो बी टी का स्क्वायर प्लस माध्यिका कितनी है ए डी का स्क्वायर, माध्यिका ही तो निकालनी है दोस्तों है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम कैसे निकाल, यहाँ पर बी टी स्क्वायर लिखा है ना, यहाँ पर हम डी सी स्क्वायर भी ले सकते हैं, कोई एक लिखेंगे है नहीं। तो कैसे, अब ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की कहोगे सर 6 सेंटीमीटर, कितनी है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, प्लस ए सी का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट, बी टी का मान कितना है, देखो दोस्तों बी सी का मान कितना है पूरा 9 सेंटीमीटर, कितना है 9, और आपसे पूछा जाएगा बी टी का मान कितना है, तो 9/2 करोगे क्योंकि ये आधी है ना बी टी, बी सी ये पूरी है बी टी आधी है, बी टी प्लस बी सी बराबर क्या मिल गया डी सी, भाई बी टी प्लस डी सी बराबर मिलके क्या बनी बी सी बनी, कितनी बनी बी सी। तो यहाँ से हम बी डी की वैल्यू कितनी है टोटल है बी सी की 9 है, तो बी डी की निकालेंगे 9/2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 9/2 स्क्वायर, स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर मतलब वो तो निकालना है क्योंकि ए डी हमारी क्या है माध्यिका है, उसी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है ए डी की लंबाई है नहीं। अब देखो देखो 6×36 8 का स्क्वायर 64 है नहीं, 2 बराबर 9×9=81 2×2=4 प्लस ए डी स्क्वायर है नहीं। अब ये कितना हुआ 36×64 कितना हो गया दोस्तों 100, 100 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, कितना रहेगा यहाँ 50 है नहीं। अब 50 की 50 और ये 81/4 है तो इधर आएंगे काहे के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे बराबर ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 50 की 4 से गुणा कितना हुआ 200 माइनस 81 है नहीं बटे 4, 200 से 81 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 9, 9 से 8 का 1, 119/4। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों तो इधर क्या चढ़ जाएगा रूट, अब 4 का वर्गमूल तो जानते हो आप 2 होता है, ऊपर रूट में 119 लिख देंगे, कितना लिख देंगे 119, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो AD अर्थात माध्यिका की लंबाई कितनी हो जाएगी √119/2 है नहीं, ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों मजा आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में लिखिएगा जरूर कि कैसा वीडियो लग रहा है, कैसा मामला ये जो है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो जो भी डाउट हो आप हमसे पूछिएगा, मैं आपके डाउट जो है क्लियर करने के लिए ऑलरेडी तत्पर हूँ। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि सिलेंडर की सामग्री का वजन 16 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो 35 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस सिलेंडर का वजन कितना है, ठोस सिलेंडर का वजन कितना है दोस्तों। तो आप लोग एक चीज बताइए कि जो सिलेंडर होगा दोस्तों, तो एक वो आयतन सिलेंडर का आयतन क्या होता है दोस्तों, क्या होता है सिलेंडर का आयतन आपसे पूछा जाएगा, ठोस सिलेंडर का आयतन तो बताओगे पाई आर स्क्वायर एच, क्या बताओगे पाई आर स्क्वायर एच। अब इसी में वैल्यू रख दो सभी की, तो पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू कितनी त्रिज्या 14 है तो 14×14 दो बार जाएगा है नहीं, एच की वैल्यू कितनी है 35 सेंटीमीटर × 35, अब इसको कट करो तो 7×7 = 14 है नहीं, आप कितना हो जाएगा कैसे गुणा करेंगे 35 की 2 से कर लो पहले 35×70 × 14 की 22 से 14×28 = 8, 14×28 = 30 300 वाट।
अब इसकी 70 से गुणा कर लो, किससे गुणा करेंगे हम लोग, 70 से गुणा करेंगे, किससे 70 से, कैसे करेंगे, 7 से पहले करो, देखो 7 से करेंगे 56 का 6, अब 0 होगा तो पूरे 56, 7 × 21 है नहीं, अब 0 बचा तो 0 रख देंगे, तो सिलेंडर का आयतन कितना आ गया दोस्तों, 21,560, कितना आ गया दोस्तों 21,560 है नहीं। अब वॉल्यूम जो है किसका निकालना है, 16 किलोग्राम, किसका 16 किलोग्राम, तो हम इसको किससे गुणा कर देंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे है नहीं, 16 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है सामग्री का वजन, तो 16 से गुणा कर देंगे, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, कितने होते हैं दोस्तों 1000, तो 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे है नहीं, तो ये 0 ये 0 कटा कटा ना, 16 से इसको गुणा करो, 16 छक्का 96 की 6 हासिल 9, 16 पंचे 80 9 89 हासिल 8, 16 एकम 16 8 24 के 4 हासिल 2, 16 दूनी 32 2 34 बटे 100 ही तो बचे, एक 0 कट गया था आपका, दो जीरो आप काटेंगे तो दो पॉइंट अंकों के बाद पीछे से क्या लगा देंगे, दशमलव, तो आंसर कितना आ जाएगा 344.96 किलोग्राम, 344.96 केजी, तो सिलेंडर का वजन कितना है 344.96 केजी है नहीं, तो ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए ने एक लागत मूल्य 2/5 लाभ कमाते हुए एक वस्तु बी को बेच दी, किसको बेच दी, ए ने बी को कितने परसेंट लाभ कमाते हुए, 2/5 लाभ कमाते हुए, और बी ने 40% लाभ कमाते हुए इसे सी को बेच दिया, किसको बी ने 40% लाभ कमाते हुए बेचा, सी को बेचा है नहीं, अब सी ने इसे 1176 रुपए में डी को बेचा, सी ने किसको बेचा, डी को कितने रुपए में, 1176 रुपए में, जिससे उसे लागत मूल्य का 14.7% लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ 14.7% लाभ हुआ, तो ए के लिए लागत मूल्य क्या है। तो दोस्तों ऐसे सवालों के लिए हम लोग जानते हैं, पहले हम आप लोगों को बताए रखे हैं ऑलरेडी कि ऐसे जब सवाल आए तो उसमें सक्सेसिव केस लगा तो ऑलरेडी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, और ऐसे क्वेश्चनों को सेकंडों में हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे लगाएंगे सक्सेसिव केस, क्या लगाएंगे सक्सेसिव केस, कैसे लगाया जाता है, देखो अब पहले कितना लाभ हो रहा है ए को 2/5, अर्थात 2 से पहले 5 था भाई, ए के लिए कितना है लाभ 2/5 है, कहोगे 2/5, तो पहले ए ने 5 रुपए में कोई चीज खरीदी, मान लो लाभ कितने का हुआ 2 का, तो कितने की बेची 7 रुपए की, कितने की 7 रुपए की, और बी को कितना परसेंट लाभ हुआ 40%, बी 40% है, 40% को क्या लिखते हैं हम 1/2/5 लिखते, कितना लिखते हैं दोस्तों 2/5, तो मान लो बी ने 5 रुपए में वस्तु खरीदी, बेची किसमें 2 का लाभ हुआ 7 में, मैं कह रहा ना 40% लाभ हुआ, तो 40% की वैल्यू 2/5, 5 से 7 हो रहा है नहीं। अब सी की वैल्यू कितनी है 14/2/7, इसको क्या लिखते हैं 1/7 लिखते हैं, कितना लिखते हैं 1/7, सी को सी ने 7 रुपए में कोई चीज खरीदी और लाभ कितना हुआ 1 का ऊपर, तो 7 लाभ 1 का हुआ तो कितने में बेचेगा 8 में है नहीं। अब क्या कह रहा है ए के लिए वस्तु का लागत मूल्य, तो पहले देखो आप सक्सेसिव केस कैसे लगाते हैं, ऐसे लिख लिया इतना तो समझ में आया होगा, अब लाइन खींचते हैं, जो चीज कटने वाली होती है काटी जाती है, कैसे हम काटते हैं लंबवत दोस्तों काटते हैं, किससे लंबवत काटते हैं, देखो इधर 7 मिला इधर 7 मिला, 7 से 7 कट गया ना, और पचम कितना हुआ 25 है नहीं, 57/56 कितना 57/56, क्या पूछा ए के लिए वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या है पहले वाला ये लागत मूल्य है नहीं, और इधर जितना लाभ हो रहा है ये लाभ हो रहे हैं तीनों के है नहीं, तो लाभ कितना 56 की वैल्यू कितने कहोगे 1176 के बराबर, 1176 सॉरी कितना 1176 है नहीं, और 56 की वैल्यू जब 1176 के बराबर है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, ए की वैल्यू इसको 56 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 56 2 112 और
छप्पन एकम छप्पन है नहीं? अब लागत मूल्य कितना है 25 भाई, एक छप्पन की वैल्यू 1176 रुपए, तो एक की वैल्यू 21 रुपए। आपसे पूछा जाए 21 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 21 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 21 की गुणा किससे करेंगे, 25 की, सॉरी 25 की वैल्यू है नहीं, 25 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 25 गुणे 1 की वैल्यू कितनी है 21, 21 से गुणा कर देंगे, तो 21 पंचे 105 है नहीं, 10 हासिल, 21 गुणा 42 10 52 है नहीं, कितना आया 42 10 52 है नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, कितना होना चाहिए बताइए, 525 रुपए, कितना होना चाहिए 525, ए के लिए लागत मूल्य कितना है 525 रुपए, ये आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें करिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि हमारे चाहने वाले कितने हैं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में यदि ST बराबर QT, क्या कह रहा है, ST बराबर QT और त्रिकोण TQR बराबर 52.5 अंश है, तो कोण SQP की वैल्यू ज्ञात करना है, किसकी, SQP की वैल्यू। दोस्तों क्या कह रहा है, ST बराबर QT, ST क्या है, ये है आकृति बनी है, ये ST बराबर QT, ये बराबर, अर्थात ST ये भुजा बराबर ये भुजा सेम होगी है नहीं। तो अब क्या कह रहा है, TQR बराबर 52.5 डिग्री, TQR है नहीं, अर्थात क्यू ये कोण कितना है 52.5 अंश, कितना है 52.5 अंश। दोस्तों अब एक थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी, कौन सी, अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम। ये क्या कहती है दोस्तों, जब किसी गोले से स्पर्श रेखा डाली जाती है, मान लो ये कोई गोला है, कोई स्पर्श रेखा डाली जाती है, तो अंतः जो अंतर त्रिभुज बनता है और बाह्य स्पर्श रेखा के सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, तो कोण क्यू 52.5 डिग्री है, तो कौन सा कोण कितना हो जाएगा, एस, कोण एस का भी मान कितना हो जाएगा, अंतः और बाह्य कोण कितने होते हैं, समान होते हैं है नहीं। तो कोण क्यू के सामने कौन सा कोण है, एस है नहीं, ये भी कितना हो जाएगा 52.5 डिग्री, कितना हो जाएगा 52.5 डिग्री। तो कोण SQP कैसे निकालेंगे भाई, ये दोनों को जोड़ लेंगे और 180 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है ना, तो 180 माइनस 52.5 प्लस 52.5, क्यों, क्योंकि क्यों कोण क्यू भी 52.5 है और कोण एस भी कितना है 52.5, अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम के अनुसार है नहीं। अब 152.5 52.5 कितना हो गया दोस्तों, 180 माइनस 52 दूना 104, आधा आधा 105, कितना होगा 105, तो कोण SQP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 से 105 गया तो कितना बचेगा 5, इधर से 7, 75 डिग्री, कोण SQP की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री, ये आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन, अब अगले क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, चलिएगा। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ब्रैकेट 999 प्लस 995 बटे 999 ब्रैकेट क्लोज इनटू 999 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इस क्वेश्चन की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। और दोस्तों ये हमने ऑप्शन दिए हैं आपको, ऑप्शन इसलिए दिए हैं दोस्तों, आपको पता है किस लिए दिए हैं, क्योंकि हम लोग इस ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा यूनिट डिजिट से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखो बहुत ही कम समय में इसकी गुणा किस कैसे करेंगे, पहले इसकी इसकी गुणा करेंगे ना, तो 999 गुणे 999 प्लस ऊपर कितना है 995 बटे पूरे के कितना आ जाएगा 999 आ जाएगा ना इंटू 999। अब ये 999 कट गए ना, इतना तो समझ में आया होगा, कैसे किया, इसकी गुणा किया, लिख लिया मैंने, प्लस 995 था लिख लिया, बटे पूरे कितने हो गए 999 गुणे 999 था लिख लिया,
और ये क्या हुआ, कट गया। अब कैसे यूनिट डिजिट से करेंगे दोस्तों, देखिए 9 9 के गुणा कितने हुआ, 9 9 81 का 1 हुआ, क्या कहोगे 81 का 1 हुआ, छोड़ दो बाकी, प्लस इधर के 5 होगा ना यूनिट डिजिट, 5 5 एक कितना हुआ 6। कैसे फिर से समझिए, 9 9 81 का कितना लिखोगे 1, प्लस कितने जोड़े 995, 995 यूनिट डिजिट कितना है इकाई का अंक 5, वही 5 लिख दिया, 5 एक कितना हो गया 6। तो ऑप्शन में यूनिट अर्थात इकाई का अंक 6 किसमें है, पहले ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ए, अर्थात 99 89 96, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हम यूनिट डिजिट के द्वारा सॉल्व करते हैं और बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसा लग रहा है सेशन, यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है, बताएं हमको। तो चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या कह रहा है। मनीष 125 किलोग्राम चावल को 3125 रुपए में खरीदता है, कितने रुपए में खरीदता है दोस्तों, 3125 रुपए में खरीदता है, वह 76% चावल को 24 रुपए प्रति केजी की दर से बेच देता है, कितने परसेंट चावल को 76, शेष चावल को वह कितने रुपए की दर से बेचे, कितने रुपए की दर से बेचे ताकि 8% का लाभ हो, कितने परसेंट का लाभ हो 8% का। अब दोस्तों बताओ टोटल चावल उसके पास कितने परसेंट होंगे, 100% होंगे, कितने परसेंट होंगे 100%, और उसमें से 125 किलो चावल को इतने रुपए में खरीदता है नहीं, और वह 76% कितने परसेंट, 76% चावल को 24 रुपए पर केजी की दर से, अब 76% 100 से 76 गया तो कितना बचा 24% ही तो बचेगा, शेष 24% बचेगा ना, आप 76 और 24 काट दो, 19 चक्कू 76, 6 चक्कू 24, तो 19 और 6 कितना हुआ टोटल रेशियो 25। अब 19 रुपए अर्थात 76% चावल को कितने रुपए पर केजी की दर से बेच रहा है, 24 रुपए, कितने रुपए 24 रुपए पर केजी, इतना दोस्तों समझ में आया, कितने रुपए पर केजी 24 रुपए पर केजी है नहीं। अब दोस्तों एक चीज बताइए, 125 केजी चावल की कीमत कितनी है, 3125 रुपए, कितनी है 3125, तो 1 केजी की चावल की कीमत कितनी हो जाए बताओ, 3125 के को भाग किससे कर दो 125 से, तो कितना आ जाएगा 25, 1 किलोग्राम चावल की कीमत कितनी हो जाएगी 25 रुपए, कितने 25 रुपए है नहीं। अब इस पर उसने उसको कितना लाभ कमाना है 8%, कितना कमाना है दोस्तों 8%, तो 1 रुपए की कीमत 25 रुपए, 1 किलोग्राम चावल की कीमत 25 रुपए, इस पर 8% का लाभ कमाएगा, 8/100 हो जाएगा, होगा ना, तो 25/80 कितना हुआ 200, 200/100 करेंगे तो कट के कितना गया 2 रुपए। अब मतलब कहने की बात, जो उसका रेशियो आया ये 25, ये इसमें कितने किलोग्राम चावल और मिलाने चाहिए 2 किलोग्राम, अर्थात कितने किलोग्राम हो जाएंगे, 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 रुपए पर केजी के अनुसार बेचना चाहिए, कितने रुपए 27 रुपए पर केजी के अनुसार उसको बेचना चाहिए, जब उसको कितने परसेंट का लाभ होगा 8% का है नहीं, कितने परसेंट का लाभ होगा 8% का है नहीं। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 × 3/6, ये क्यों करेंगे दोस्तों, देखो -19, क्योंकि ये पहले की कीमत है ना, तो अब इसको कट करेंगे तो कैसे कितना आ जाएगा, 3 × 3 × 3 = 6, 19 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 9 8 9.5, कितना आएगा 9.5। अब इतने रुपए पर केजी ये भी आपका इसमें जुड़ेगा, ठीक है, तो पहले कितना था 27 रुपए पर केजी था, इसमें कितने रुपए जोड़ दें 9.5, तो कितने किलोग्राम हो गया 9 27 में 9 जोड़ा 9 7 16 36.5 किलो रुपए पर केजी,
36.5 रुपए पर केजी के अनुसार वो जब चावल को बेचेगा तब कितने परसेंट का लाभ होगा दोस्तों? 8% का। ये आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कमेंट में बताइए कि सेशन कैसा लगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।